हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन आईक्यू। मेरा नाम है सौभाग्य लोहिया एंड इस वीडियो में हम जानने वाले हिमाचल प्रदेश के बारे में। ये हमारी इंडियन स्टेट सीरीज की एक वीडियो है। इस सीरीज में हम इंडिया के स्टेट्स उठाते हैं और उनके बेसिक फैक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जिया टैग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। In which year Shimla Agreement was signed? इसका आंसर हमें को कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो अब सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो ये इसका जन्म हुआ था ऑन 1956 एज ए यूनियन टेरिटरी एंड इसे स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था इन 1971 25 जनवरी। अब यहाँ के ज्योग्राफिकल एंड फिजिकल फीचर जानेंगे। तो यहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्रीज में है तिब्बत, which we know is presently controlled by China, and bordering states and union territories में आ जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। एंड आप मैप पे भी देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश मैप ऑफ इंडिया पे precisely किधर located है। तो अब हिमाचल प्रदेश के बेसिक फैक्ट्स पे चलते हैं। तो कैपिटल है यहाँ के शिमला, गवर्नर है यहाँ पे बंदारू दत्तरिया, जो कि एक लोकसभा के मेंबर भी थे फ्रॉम सिकंदराबाद इन 2014 टू 2019 पीरियड, एंड अब 2019 से स्टार्ट करके ये यहाँ के गवर्नर है। फिर है यहाँ के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, जो कि फर्स्ट टाइम एक चीफ मिनिस्टर बने। फिर है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 12, एंड डिस्ट्रिक्ट पे आई गए हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो लाहौल एंड स्पिति है वो एरिया में तो यहाँ पे लार्जेस्ट है, लेकिन पॉपुलेशन में वो स्मॉलेस्ट है। तो पॉपुलेशन की बात ही कर रहे हैं तो पॉपुलेशन इसकी रैंक है 21st इन इंडिया विच इज 68 लाख। एरिया यहाँ का 17th लार्जेस्ट विच इज 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है यहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज विच इज हिंदी। फिर यहाँ के स्टेट सिंबल्स, तो स्टेट एनिमल यहाँ का स्नो लेपर्ड, स्टेट बर्ड है वेस्टर्न त्रजुपान, स्टेट फ्लावर है यहाँ पे पिंक रोडोडेंड्रोन, फिर स्टेट डांस जो कि है नाटी, फिर स्टेट स्पोर्ट पैराग्लाइडिंग। फिर यहाँ के फेमस फूड्स, तो ये बहुत सारे फेमस फूड्स है, काफ़ी हिमाचल प्रदेश में फेमस है एंड इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स में हम खाते हैं। फिर है जैसे मदुरा धाम, तुर्कियाबाद, कुल्लू ट्राउट फिश, मोमोस, ये बहुत फेमस फूड्स है यहाँ के। फिर है फेमस फेस्टिवल्स जैसे कुल्लू दशहरा, हल्दा, साजो फेस्टिवल्स, यहाँ के ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स है, ये खाली हिमाचल प्रदेश में ही सेलिब्रेट करे जाते हैं एंड इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो दीज आर वेरी फेमस फेस्टिवल्स। अब यहाँ के कल्चरल हेरिटेज या मोन्यूमेंट्स वाले पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यूनेस्को साइट जानेंगे ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले है कालका शिमला रेलवे, इट वॉज बिल्ट इन 1898 एंड इसे यूनेस्को साइट डिक्लेयर कर दिया गया था इन 2008। फिर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इट वॉज बिल्ट इन 1984 एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड यूनेस्को साइट इन 2014। फिर बाकी कल्चरल हेरिटेज साइट्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले कांगरा फोर्ट लोकेटेड इन ओल्ड कांगरा, इट वॉज बिल्ट इन 4th century BC। फिर है जितक फोर्ट इन नान विच इज इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, इट वॉज बिल्ट इन 1810। फिर है की मोनेस्ट्री लोकेटेड इन लाहौल स्पिति, इट वॉज बिल्ट इन 11th century, एंड चोकलिंग मोनेस्ट्री लोकेटेड इन कांगरा, इट वॉज बिल्ट इन द 18th century। फिर है यहाँ की मेजर रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे रवि, इसका ओरिजिन है चंबा से, ब्यास ओरिजिन रोहतांगला, फिर है सतलुज ओरिजिन माउंट कैलाश, चिनाब ओरिजिन बारालाचल्ला पास, एंड यमुना जिसको हमने उत्तर प्रदेश वाली वीडियो में भी कवर करा था का ओरिजिन फ्रॉम यमुनोत्री। इसमें जो रवि, ब्यास, सतलुज एंड चिनाब रिवर्स है, ये इंडस वाटर ट्रीटी का भी एक पार्ट है, जिसमें कि इंडिया को कंप्लीट फ्रीडम मिली थी टू यूज द वाटर ऑफ रिवर्स रवि, ब्यास एंड सतलुज। तो अब यहाँ के फेमस टेम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है तारा देवी टेम्पल लोकेटेड इन शिमला, डेडिकेटेड टू गॉडेस तारा, इट वॉज बिल्ट इन 1766 AD। फिर है जाखू टेम्पल लोकेटेड इन शिमला, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान एंड इट वॉज बिल्ट इन 2010। फिर है हिदम्बा देवी टेम्पल लोकेटेड इन मनाली, डेडिकेटेड टू हिदम्बा देवी एंड बिल्ट इन 1553। फिर है चामुंडा देवी टेम्पल लोकेटेड इन पादार, इट इज डेडिकेटेड टू चामुंडा देवी
एंड इट वॉज बिल्ट इन द 16th सेंचुरी। फिर है हिमाचल प्रदेश की फेमस पर्सनालिटीज, रस्किन बॉन्ड जो कि एक इंडियन पोएट है जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, ग्रेट खली जो कि एक WWE रेसलर है, जय चौधरी जो कि एक एंटरप्रेन्योर है एंड फाउंडर है ऑफ जी स्केलर, मोहित चौहान जो कि एक इंडियन बहुत फेमस प्लेबैक सिंगर है, फिर है कंगना रनौत ये एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है, फिर है प्रीति जिंटा ये भी एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है एंड ये जो पंजाब की IPL टीम है उसकी ओनर भी है, फिर है प्रेम चोपड़ा जो कि बहुत फेमस एक्टर है अगेन एंड फिर है अनुपम खेर ये भी एक इंडियन फिल्म एक्टर है। फिर है यहाँ के पॉलिटिकल फेमस पर्सनालिटीज जिनमें सबसे पहले यशवंत सिंह परमार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, फिर है प्रेसिडेंट ऑफ BJP JP नड्डा, फिर है अनुराग ठाकुर लोकसभा मेंबर है ऑफ इंडिया एंड फिर है वीरभद्रा सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है अभी तक। फिर यहाँ का इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में यहाँ पे GDP 2022-2021 सेंसस के हिसाब से है 1.82 लाख करोड़ INR विच इज ऑल्सो 26 बिलियन US डॉलर्स, जिसकी रैंक है 22nd। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जानने को है GDP बाय सेक्टर, तो कैसे डिवाइड कर रखा है, एग्रीकल्चर में है 13% एंड इट इज मेनली फ्रॉम एप्पल्स, इसे एप्पल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर है इंडस्ट्रीज जिसमें कि मेजर टाउन्स आ जाएंगे जैसे पोटा साहिब, बादी, परवानू, बिलासपुर एंड फिर है बाकी सर्विसेज। तो फिर है यहाँ की पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में लेजिस्लेचर में यहाँ पे यूनिकैमरल है, तो यूनिकैमरल में बेसिकली असेंबली एंड काउंसिल दोनों की जगह खाली असेंबली होती है, तो असेंबली में यहाँ पे है 68 सीट्स जो कि आप साइट के इमेज में देख सकते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, राज्यसभा की है 3 सीट्स एंड लोकसभा की है 4 सीट्स। यहाँ पे 2 मेजर पार्टीज है BJP एंड INC एंड प्रेजेंटली जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के जयराम ठाकुर वो भी BJP से ही है। फिर यहाँ के सेंचुरीज नेशनल पार्क है, इनकी लिस्ट दी गई है, इनमें जो फेमस वाले हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड इन कुल्लू, पिनवाली नेशनल पार्क लोकेटेड इन स्पिति, सिंबलबरम नेशनल पार्क इन सिरमौर, खिरगंगा नेशनल पार्क इन कुल्लू, इंद्र किला नेशनल पार्क इन कुल्लू अगेन एंड मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नसोगी। फिर है यहाँ की जिया टैक्स, तो सबसे पहले 1999 में मिला था किन्नौरी शॉल को फ्रॉम किन्नौर, फिर है कुल्लू शॉल जिसको फ्रॉम कुल्लू इसे 2004 में दिया गया, फिर कांगरा टी फ्रॉम कांगरा 2005 में दिया गया, फिर चंबा रोमाल फ्रॉम चंबा इसे 2007 में दिया गया, फिर बासमती राइस जो कि मैंने आपको उत्तर प्रदेश वाली में भी बता रखा है कि ऑलमोस्ट सारे नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स को मिला हुआ है इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश जिसको मिला इन 2010, उसके बाद है कांगरा पेंटिंग फ्रॉम कांगरा जिसको मिला इन 2015, फिर है चूली ऑयल इन किन्नौर जिसको मिला 2019 में एंड अगेन काला जीरा भी ऑल्सो फ्रॉम किन्नौर इसे भी 2019 में मिला है। फिर मैं आपको एक और बढ़िया फैक्ट बताना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश का, तो यहाँ पे इसमें हम अटल टनल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसे इनॉग्रेट करा गया था इन लास्ट ईयर ही बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी अक्टूबर में एंड इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर विच मेक दिस द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल अबव 10,000 फीट। ये लॉन्गेस्ट टनल है वर्ल्ड में लेकिन लोकेटेड जो अबव 10,000 फीट है उस वाली लिस्ट में, ये कनेक्ट करता है मनाली को ले से एंड इट इज लोकेटेड इन रोहतांग। सो कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, इन विच ईयर शिमला अग्रीमेंट वॉज साइंड, इसका करेक्ट आंसर है 1972। शिमला अग्रीमेंट को July 2nd ऑफ 1972 पे साइन करा गया था इन राजभवन ऑफ शिमला, इसलिए इसका शिमला से एंड हिमाचल प्रदेश से कनेक्शन है। इसे साइन करा गया था बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रॉम पाकिस्तान एंड इससे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर के कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करा गया है। तो इसके साथ ही वीडियो को कंक्लूड करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में नीचे दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।